बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी नान खताई। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमें इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने आइसिंग शुगर लिए जी, ये हमने लिए 1 कप। एक हमारे पास अंडा, इसके अलावा हमने 1 टेबलस्पून जो लिया है बेकिंग पाउडर लिया है। इसके अलावा हमने सूजी जो ली है ये 2 टेबलस्पून है। मैदा जो है ये हमने 1 कप लिया है। इसके अलावा बेसन जो है हमने 1/4 कप लिया है। इसके अलावा हमने 1 कप घी लिया है इसके लिए। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी डो किस तरह से तैयार होगी, हम इसको किस तरह तैयार करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम लोग इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं घी। अब हम इसको बीट करेंगे और इसको हमने इतना बीट करना होता है कि जो हमारा पेस्ट है सही वाला फ्लफी सा बन जाए। ये आप देख सकते हैं हम इसको कैसे बीट कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए। अब आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने मैदा, सूजी, बेकिंग पाउडर और बेसन को आपस में मिक्स कर लिया है। ये देखें, ये हमारा इस तरह का बीट हुआ है। अब हम इसमें अपने सारी जितनी चीज़ें हमने मिक्स की थी वो ऐड करेंगे और हम इसकी अच्छी सी एक डो बना लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है इलायची पाउडर डाल रहे हैं। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इसको ऐसे करके गूंद लेना है अच्छे से। जी अब हम इसको अपने देचके को पहले से प्री हीट कर रहे हैं। फॉर 10 मिनट्स हम लोग तेज आंच पे इसको प्री हीट करेंगे, इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट बाद हम अपना मटेरियल इसके अंदर रखेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी डो अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके नान खताई बनाएंगे छोटे छोटे से बॉल्स से और उससे हम नान खताई तैयार करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि हमारी नान खताई कैसी बन रही है। ये देखें, इसको ऐसे लेके नरम हाथों से आप लोग इसको हल्के हल्के हाथों से इसको दबाएंगे ऐसे। ये बिल्कुल ऐसे आपकी ये बन जाएगी। अब ये छुरी की जो आपकी बैक साइड होती है उससे हम लोग इस पे हल्का सा निशान डालेंगे ये ऐसे। जी तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने नान खताई तैयार कर लिए हैं। ये अब बस हम लोग इसको बेक करेंगे फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी इनकी लुक है। ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने इस पे मैदा डस्ट कर लिया है बेकिंग के लिए। इसमें आप लोग बटर पेपर भी लगा सकते हैं, हमारे पास भी वो अवेलेबल नहीं था, दैट्स वाई हमने मैदा को इस पे डस्ट कर लिया है। अब हम इसमें अपनी नान खताई रखेंगे
ये देखिए हमने इनको रख लिया, अब हम इसको बेकिंग के लिए रख देंगे। अब हम इसमें सबसे पहले तो ये लगाएंगे एग, ठीक है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये हमने इस पर अब एग लगा दिए, स्प्रेड हो गया, देख रहे हैं आप। अब हम इसको बेकिंग के लिए रखेंगे, हम आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरह रखना है और कितनी देर के लिए, हम आपको गाइड कर सकते हैं। अब हम इसको इसमें रख देंगे और अपनी आंच को कम कर देंगे, ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट बाद आप इसको चेक कर लें। आप देख सकते हैं कि हमारे नान खटाई तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमारी नान खटाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये थोड़ी ठंडी हो जाए फिर हम इसको ट्राई करते हैं। ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है, और आपने देखा कि हमने कितनी सी इसको रखा था और माशाल्लाह कितनी अच्छी बन गई है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और हमें फीडबैक दीजिएगा, और सब्सक्राइब आवर चैनल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।